गाड़ी से उतरते ही जो चीज़ मैंने सबसे पहले रियलाइज करी है वो ये है कि हम जंगल के बीच में हैं, और ये ऐसा जंगल है जिसमें जहाँ पर नज़र मारो जितने पेड़ दिख रहे हैं ना, सारे के सारे देवदार के पेड़ हैं। मैंने तो यही ऑब्जर्व किया पिछले एक मिनट के अंदर। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज दिन की शुरुआत हमारी जलोरी पास से हुई है। झिब्बी से 12 किलोमीटर का सफर करके हम यहां पर पहुंचे हैं। अब हम यहां से सरुलसर लेक की ओर जाने वाले हैं। 5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जाना आना मिलाकर 10 किलोमीटर, लौटकर हम वापस जलोरी पास ही आएंगे। देखिए, जलोरी पास से वॉक करते करते मैं 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूं। रास्ता तो आप देख ही रहे हो कैसा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आ गए। नीचे आपको ना मैं कुछ कैंपिंग साइट्स दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल ये साइट्स अभी यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ महीने के बाद ये जगह यहाँ दोबारा ऑपरेशनल हो जाएगी और यहाँ पर कैंपिंग साइट लगेंगी। आधा रास्ता पूरा कर लेने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर की ओर गए और हमने बहुत ही अमेजिंग सीनिक व्यू देखा। ऐसा लगा हम क्लिफ के ऊपर बैठकर ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आधा पौना घंटा हमने यहां पर बिताया, व्यूज एंजॉय करे, फिर आगे बढ़े। अभी तक तो डिफिकल्टी लेवल मेरे को इजी ही लगती है जहां तक मैं आया हूं। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इधर देख लो तो भी जंगल है, इतने सारे पेड़ हैं। यहां देख लो तो नीचे की तरफ ढलान है और बीच में एक नैरो सा रास्ता है। हम लेक की तरफ जा ही रहे थे तो हमारी मुलाकात राजू भाई से हुई है। यहाँ पर ना ये कैंपिंग साइट रन करते हैं, तो आपके पास ये वेबसाइट भी है जो सामने लिखा हुआ है। जी जी, अच्छी बात है। कैंप का क्या चार्ज लेते हो पर पर्सन? हमारा 1200 रुपए पर हेड, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड देते हैं, स्टे भी। अच्छा, और जैसे ये सामने कैंप लगा है ऐसे ही कैंप रहता है? हाँ जी जी, ऐसा भी है, दूसरे तरह का भी है। कहाँ लगाते हो कैंप? अपना यहाँ छोटा जैसा लेक है, उसके पीछे जैसे ना खुला स्पेस है वहाँ पे बगल में। हाँ जी, बगल में। समझ गए, सही है, बढ़िया। तो इनका फोन नंबर मैं ले लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। हम लेक तक पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पर हाइट पे खड़े होकर कितना अच्छा लग रहा है ना लेक व्यू, सो नाइस। अब देखो चारों तरफ अगर मैं नजर मार के देखूं तो पहाड़ तो देखो चारों तरफ है, लेकिन हरियाली है पहाड़ के ऊपर और बीच में सेंटर में लेक है। अभी आते समय मैं नोटिस कर रहा था पत्ते ही पत्ते थे, क्योंकि अभी पेड़ से पत्ते गिरे होंगे पीछे, लेकिन लेक के ऊपर एक भी पत्ता आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे किसी लोकल ने बताया कि कुछ ऐसी बात है कि अगर एक दो पत्ते गिर भी जाते हैं लेक के अंदर तो कोई पंछी आके पत्ते को उठा के ले जाता है, तो आपको लेक हमेशा इसी प्रकार से दिखाई देगी। अब देखो मैं हाइट पे आ गया हूँ, यहाँ पर बैठ के मैं लेक के शांत पानी को देख रहा हूँ। थकान तो देखो हो गई है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, क्योंकि 5 किलोमीटर का रास्ता था, ट्रैक करके नहीं था, डिफिकल्टी लेवल लो थी, बट फिर भी थोड़ा थक ही जाता है इंसान। यहाँ बैठ के थकान पूरी तरह से दूर हो गई है। इस लेक की डेप्थ के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कितनी डेप्थ है यहाँ पर। होली लेक है ये, गाँव वालों की आस्था इस लेक से जुड़ी हुई है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के, चाहे तो ऊपर सामने जो पहाड़ है वहाँ पर भी जा सकते हैं, बड़ी सी चट्टान है ना, वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, वहाँ से खड़े होके लेक को हाइट से देख भी सकते हैं। हम टेंपल तक आ चुके हैं, ये बूढ़ी नागिन माता जी का मंदिर है, अंदर चल के दर्शन करेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं, थोड़ा हमें आप इस मंदिर के बारे में जानकारी दे दीजिए। ये मंदिर जैसे नाग माता का है, बूढ़ी नागिन का नहीं, जैसे तो देवी है नव दुर्गा, दुर्गा माता माँ गौरी है पार्वती, तो ये पांडु टाइम से, जब पांडु ज्ञातवास में आए थे उसके बाद हमारे दादे पंडादे अभी चौथी बार बना, जितने कुल्लू मंडी में नाग देवते हैं उनकी माता बूढ़ी नागिन। एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर ये बना हुआ है कुछ रहने की सुविधा भी है? माता की मंदिर की सराय है ये, मतलब मंदिर की जो धर्म सभा नहीं, सराय माता की, मंदिर सराय है, तो कोई रात में यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है? सकते हैं, रहने के लिए माता के नाम से
सराय बन गए, सराय बनाएंगे, कोई भी लोग वहाँ ठहर सकते हैं। आपसे संपर्क कर लें तो आप ठहरा देते हैं। आप पूछा रही हैं सर्दियों के समय जब भी यहाँ पर जनवरी होता है, फरवरी होता है, बर्फ गिर रही होती है, कितने फीट बर्फ आती है? 12 फुट पड़ती है, पहले तो 12-15 फुट पड़ती थी, अब कम हो रही, 9-9 फुट तो पड़ी जाती। हमने सुना किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो घी ऐसा लेक किनारे गिरा गिरा के पूरी परिक्रमा करते हैं, पूरे झील की पूरी परिक्रमा करेंगे। अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर, आज मौसम अच्छा और ऐसा लग रहा है कि बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मौसम कब बदल जाता है कुछ मालूम नहीं है। धन्यवाद। हमने अपने लिए मैगी मंगवा ली है और साथ में एक कप चाय पियेंगे। 2 मैगी की एक प्लेट ली है, 120 रुपए इसकी कॉस्ट है। काफ़ी चलते चलते भूख सी लग गई थी, बढ़िया रहा। ये सब लोगों ने ना बहुत अच्छे से साफ सफाई मेंटेन करी हुई है, अप्रिशिएट करने वाली बात है, वेरी गुड। पांच किलोमीटर का सफर करके हम जलोरी पास आ चुके हैं। लेक से यहाँ पहुँचने में मुझे लगभग 1.25 घंटे का टाइम लगा, अभी 2:20-2:25 का टाइम है। आपको मैं ना जलोरी पास के बारे में 1-2 बातें बताना चाहता हूँ। सर्दियों के समय जब मार्च का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे 3-4 फीट बर्फ तो इधर ही होती है रोड पे, नज़दीक में 7-8 फीट रहती है पहाड़ के ऊपर, तो उस टाइम पर यहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत हो रही होती हैं रोड साइड पर या नज़दीक के एरिया में, तो वो टाइम है आप गाड़ी लेके यहाँ नहीं आ सकते, आपको सोझा में गाड़ी अपनी छोड़नी पड़ेगी और वहाँ से 4x4 कुछ गाड़ी मिलती है जिसमें 300-400 रुपये 500 रुपये लेते हैं और आपको यहाँ ड्रॉप देते हैं, या पैदल आ जाओ 5 किलोमीटर अपनी मर्जी है। उस समय जाना चाहो तो आप जा सकते हो लेक तक, लेकिन फिर होता ना कि कठिनाई आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि स्नो के बीच में कदम रख रख के जाना। और दूसरी बात, चाहे सर्दी ना भी हो, जैसे आजकल के दिन है, जिबी में मैंने स्वेटर नहीं पहना था, लेकिन यहाँ पर स्वेटर जैकेट चाहिए क्योंकि अभी देखो धूप है चल रहा है, लेकिन मौसम बदल जाएगा ना तो एकदम ठंड हो जाती है, हवा यहाँ काफ़ी तेज़ चलती है, चांस की बात है इस समय हवा नहीं है। एनीवेज यहाँ पर कड़ी चावल खाते हैं, मेरे को किसी ने बोला था सामने आप ढाबे में खाइए, अच्छा रहेगा, फिर हम नीचे झिब्बी को चलेंगे। लो जी हम नेगी ढाबा में आ गए। हाँ जी जनाब, कड़ी चावल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया। रेडी है? बिल्कुल रेडी होता है। अच्छा, आप सिगड़ी में बना रहे हो? हाँ, हमारा इसके ऊपर ही बनता है, अभी थोड़ा टूट गया है, बाकी जैसे सुबह आते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। वेरी गुड दीदी, हाँ सही, हमें आप दे दीजिए कड़ी चावल। लो जी कड़ी चावल आ गया, साथ में राजमा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा टेबल है, ये बड़ी बड़ी केबल्स आती है ना, ये उसके व्हील्स हैं। इंटरेस्टिंग। सही है, कड़ी में खटास है, भूखों में तेज लगी हुई है, ओवरऑल गुड टेस्ट। देखो राजमा ठीक है, लेकिन कढ़ी चावल ज्यादा स्वाद है, राइट है? तो अब सीन ये है कि हम यहाँ से लंच करके निकलेंगे और झिब्बी जाएंगे। मैंने ये बात पिछले एपिसोड में बोली थी, यहाँ से जब झिब्बी जाते हो ना, आपको नीचे उतरना होता है अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो। ख़ास ख्याल रखने की बात ये है कि स्टीप ढलान है तो आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी उतारनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हम वापस झिब्बी पहुंच चुके हैं, इस समय हिमांशु हमारे साथ हैं, जहाँ पर हम गेस्ट हाउस में रुके थे ना, तो हिमांशु रन्स दैट गेस्ट हाउस विद भरत। अब देखिए यहाँ से हमको बालूनाग टेंपल जाना है, हिमांशु हमारे को कंपनी कर रहे हैं। अब वहाँ पर ना हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, पीछे खड़ी है ना, तो
ये एंड पॉइंट तक नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ 4x4 आसानी से चढ़ जाती है। तो इसके लिए हमने इस जर्नी के लिए स्कॉर्पियो हायर की है और ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 9 किलोमीटर्स का ही है, लेकिन पहुँचने में 45 मिनट लग जाते हैं। तो इसके लिए हम 2,500 रुपीज़ का चार्ज दे रहे हैं इस गाड़ी के लिए। और अगर वैसे आप छोटी गाड़ी में जाना चाहते हो, इसमें ही जाना चाहते हो, तो एक पॉइंट तक जा सकते हो, उसके बाद आपको 40 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब उससे कॉस्ट आपकी बच जाएगी। चलिए जी, चलें। जिब्बी से लगभग 9 किलोमीटर का सफर करके हम बाहू गांव तक पहुंच चुके हैं। गांव के पास ही हमने एक जगह गाड़ी रोकी है इस जगह की फील लेने के लिए। थोड़ा बताओ इस तरफ को क्या है, इस तरफ को क्या है। पहली चीज़, बाहू आप एक ऐसा गांव है जो आपके सिराज वैली और जिब्बी वैली के बॉर्डर पे आता है, ठीक है। तो आपका इस साइड जितना कुछ है ये सिराज वैली है। सिराज वैली में भी इनर सिराज आउटर सिराज है, एंड इस साइड जो आप देख रहे हो, अगर आप दूर डिस्टेंस पे देख पाओ तो आपको यहाँ से चैनी विलेज भी दिखता है, जहाँ का चैनी फोर्ट वो सामने, जो चैनी कोठी जो बोला जाता है ना, वो जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जी, वो। एक मैं आपको पॉइंट बताऊँ, जब मैंने पहली बार जिब्बी के बारे में सोचा था ना, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया जिब्बी, तो जिब्बी के रिप्रेजेंटेशन में वो चैनी कोठी आता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन वो कितना दूर है जिब्बी से? जिब्बी के अंदर वैली में ही है? नहीं, जिब्बी आप ये मान लीजिए जो मेन जिब्बी गांव है वहाँ से 8 किलोमीटर वन वे तो हो गई, दूर है, दूर है। अभी देखो सीन ये है, जिब्बी वैली, तीर्थन वैली जहाँ पर हम गए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि टूरिज्म काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। सिराज आज की तारीख में कम्प्लीटली अंडर डेवलप्ड है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। गाँव है, हाइट पे ना सिराज काफ़ी हाइट पे, एंड आपको गांव भी बहुत सारे काफ़ी हाइट पे दिखेंगे, बट देन अभी वहां तक कच्ची सड़क ही पहुंची है। तो हो सकता है आने वाले 8 से 10 साल के अंदर जिब्बी का रूप ले ले, मतलब टूरिज्म वहां पर भी पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़रूर पहुंचेगा वहां पे, पॉसिबिलिटी है। सही है। और यहां बगल में ऑफ द ट्रेल कैबिन्स एंड कैफे करके एक बोर्ड लगा हुआ है, तो इनके क्या रहने की भी अकोमोडेशन है यहाँ पे? बस एक अकोमोडेशन है और एक कैफ़े भी है, यहीं पे चलाते हैं ये लोग। एंड इसके बाजू से जो जहाँ हमने अपनी गाड़ी रोकी है वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर हमको अभी जाना पड़ेगा, सीधा सीधा हमारे बालूनाग टेम्पल के लिए। चलेंगे, आओ। हम बालूनाग टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं। गाड़ी से उतरते ही जो चीज़ मैंने सबसे पहले रियलाइज़ करी है वो ये है कि हम जंगल के बीच में हैं, और ये ऐसा जंगल है जिसमें जहाँ पर नज़र मारो जितने पेड़ दिख रहे हैं ना, सारे के सारे देवदार के पेड़ हैं। मैंने तो यही ऑब्जर्व किया पिछले 1 मिनट के अंदर। और ये जंगल भी इतना घना जंगल है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए इस समय सूरज ऊपर है, भले 5 बज गए लेकिन धूप निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर छाया है क्योंकि नज़दीक नज़दीक पेड़ है, सूरज की रोशनी नीचे आ नहीं रही है। सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन, टूरिस्ट कोई नहीं है यहाँ पर। लास्ट का जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता था अपनी गाड़ी में तो सुपर डिफिकल्ट है, या तो आप ट्रैक करके आओ नहीं तो कोई बड़ा गाड़ी लेकर आओ, मतलब हायर करके जिब्बी से। सामने टेम्पल है ना, थोड़ा टेम्पल की तरफ चलेंगे जी, आओ। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया वैसे यहाँ पे आके, मतलब यहाँ पर आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ मत करो आप, 2-2.5 घंटे घास पे बैठ जाओ, बस आपको उसी में दिन मच जाएगा। क्या बोलते हैं मंशु भाई? बहुत ग्रीन ग्रासी लैंड्स है हर जगह, मेडोज आपको हर जगह मिलेंगी, तो आप कहीं पे भी आराम से बैठ सकते। कुछ नहीं, बस आराम से यहाँ बैठ के रिलैक्स करो। बहुत अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पर आए। अभी टेम्पल खुला है कि बंद है, देखना पड़ेगा। नमस्कार, दर्शन कर लें यहाँ से, नीचे ऐसा जाएंगे। तो आप ये जो अभी मंदिर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये 2015 में रिसेंटली रेनोवेट हुआ है, बट ये माना जाता है कि ये मंदिर ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। अच्छा। और यहाँ पे सितंबर पे टाइम पे एक मेला होता है जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे पिन्नू भाई से। अच्छा, पिन्नू भाई के साथ ही हम गाड़ी पे आए हैं। थोड़ा बताओ आप जो जानते हो इस मेले के बारे में। हाँ जी भाई, ये टेम्पल जो है ये 2000 साल पुराना है, और यहाँ पे सितंबर महीने में जो मेला फेस्टिवल होता है
वो यहाँ पे शाम के टाइम होता है और पूरे दिन पूरे रात यहाँ पे 2,500 लोग कम से कम आते हैं। और ये जो मेला बता रहे हो ये कितने दिन का होता है? ये एक दिन का होता है, एक शाम और एक सुबह। यहाँ पर आके तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो इधर लोकल ही हो तो आता ही होगे बीच बीच में। एक चीज बताइए, ये जगह तो हमें ऑलमोस्ट आए हुए आधा घंटा हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है, नजदीक में हम कोई ऐसा जगह है जो 200-400 मीटर में चल के विजिट कर लें? हाँ जी, यहाँ पे एक और टेंपल है जो त्रिशूल रहता है काफी सारा, वो हम आपको दिखाते हैं। चलेंगे साथ में? हाँ जी, आप अगर फ्री हैं तो आप भी चल पड़िए। चलेंगे, आइए जी। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर तो बहुत त्रिशूल है। हाँ जी, यहाँ पर तो ये काफ़ी त्रिशूल है, यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से होगा कम से कम। तो ये जो त्रिशूल यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नत करके जाते हैं, उसके बाद वापस आके यहाँ के लिए त्रिशूल लाते हैं जब उनका मन्नत पूरा होता है। तो अगर कोई यहाँ पे कोई चीज़ सामान या देवते का उठा के ले जाए तो उसे आवाज़ें सुनाई दे के उसे वापस लौटाना पड़ता है। अच्छा, उसको ऐसा लगता है मेरे को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जी, वैसे फिर वापस लौटाना पड़ेगा। तो सही है, यहाँ पर आके देखो बहुत अच्छा लगा और हमारी मुलाकात यहाँ चैनल सब्सक्राइबर्स के साथ भी हो गई। तो आंटी और उनके बेटे, आप चंडीगढ़ से आए हुए हैं तो आप कल ही पहुँचे हो ना? जी कल ही पहुँचे। वेरी गुड, तो कल पहुँचे और आज ये इस जगह आगे और हम अचानक मिल लिए हमने। तो अभी हम यहाँ चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद यहाँ से चलेंगे और हम अपनी यहाँ पर ना लोकेशन चेंज कर रहे हैं। पहले हम इनके गेस्ट हाउस रुक रहे थे, अब आज अवेलेबिलिटी नहीं है, आज हम एक होम स्टे जा रहे हैं जो हमारे रास्ते में आएगा टांडी पार का, टांडी का टर्न पार करने के बाद। हाँ जी। अच्छा, टांडी से ध्यान में आया कि टांडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना पॉपुलैरिटी उस जगह की ट्री हाउसेस के लिए है। तो मैं हिमांशु से डिस्कस कर रहा था अंदाज में कितने होंगे, तो एज पर हिम 14-15 ट्री हाउस तो वहाँ है टांडी में, और बाकी फिर जाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन टांडी भी जिब्बी से ज्यादा हाइट पे है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना, 7,000 फीट होगा? अप्रॉक्सीमेटली 7,000 फीट तक तो होगा, और इस समय भी हम 7,000 फीट पे हैं। जी ठीक है, तो अब हम आपको ज्वाइन करते हैं अपने होम स्टे पहुंचकर जहां आज हमको रुकना है। हम राणा कॉटेजेस तक पहुंच चुके हैं, मेरे साथ ये कॉटेज के ओनर है मिस्टर राणा, तो इनसे मुलाकात हमारी ना बाहर ही हो गई है। पिछली कुछ देर से मैं ना ये पढ़ रहा हूँ, मेरे को दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स लगी हैं। जैसे सबसे नीचे लिखा है ना, द प्रिमिटिव व्हील एनरिचिंग मॉडर्न लाइफ थ्रू फोर्सेज ऑफ एंशंट विजडम, बहुत बढ़िया। लाइफ बिगिंस एट 6,000 फीट, लवली, बहुत बढ़िया। आपका ईमेल आईडी भी इंटरेस्टिंग है सामने, माउंटेन लवर 1956, वेरी गुड, क्योंकि होल लाइफ आई स्पेंड इन द माउंटेन, बहुत बढ़िया। तो अभी अंदर चलते हैं जी। हमें आप एकोमोडेशन दिखा दीजिए। रूम के बाहर तो हम पहुंच चुके हैं, तो आपके पास यहाँ कितनी यूनिट्स हैं? मेरे पास यहाँ 4 यूनिट हैं और 5वां यूनिट रोड के ऊपर है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ ऊपर भी है? हाँ जी, ऊपर जो है लॉफ्ट है, उसमें डबल बेड है। अच्छा। ये सिंगल बेड है, ये कई बार लोग ना लंबे समय के लिए आते हैं तो हम इक्विप कर देते हैं, गैस वगैरह अपना कुकिंग कर सकते हैं। लवली। ये वॉशरूम। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सही है। तो बाकी ये पूरा इको फ्रेंडली है, जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम बोलते हैं काठकोनी, इसके चारों स्टोन और वुड। हाँ जी। जो रूम अभी मैंने आपको दिखाया इसका टैरिफ 2450 है, हम यहीं पे नाइट स्टे करने वाले हैं। आज मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, कल सुबह हम सैंज वैली जाने वाले हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कल का नाइट स्टे हम मंडी में करें। अभी के लिए गुड नाइट। This is the place I wanted to see.
मजा आ गया। सोचो ना, इसका पानी का रंग देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ब्यास नदी है मेरे राइट हैंड साइड पे, हरे रंग का पानी तीर्थन नदी का है। ओहो,